खबर शामिल करते हैं। डारेवाला से नुमाइंदा मशरक गुलाम मुश्तबा कंबो के मुताबिक सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी काशिफ सना ने वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन के जेर एहतमाम डारेवाला और मुलहका चकूक में राशन की तकसीम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस सिलसिले में वाइटल कंपेन ऑफिस डारेवाला में एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी काशिफ सना समेत वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने शिरकत की और तलावत कलाम पाक से राशन की तकसीम का बाकायदा आगाज किया गया। चौधरी काशिफ सना ने सिटी प्रेस क्लब डारेवाला से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि कोरोना की वबा जो है पाकिस्तान में बुरे तरीके से लोगों को अपने घेरे में ले रही है, उसके सिलसिला में वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन पिछले दो माह से हरूनाबाद, फोटाबास, मरोट, डारावाला और चिश्तियाँ के अंदर लोगों को मुकम्मल रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। उसी के सिलसिला में अब हमारी टीम ने डारावाला के अंदर एक राशन की तकसीम का आज से एक आगाज़ किया है। इंशाल्लाह ताला आइंदा एक हफ्ते के दौरान डारावाला और इसकी सराउंडिंग्स की जितनी भी कॉलोनीज़ हैं और जितने भी चकूक हैं, इंशाल्लाह ताला कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहने देंगे जिसके घर में राशन ना मुयसर हो। और इसके अलावा मैं अपने पूरे हलके के तकरीबन 100 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर मैं राशन और नकद रकूम लोगों को तकसीम कर चुका हूं। 50 के करीब मेरे गांव ऐसे बचते हैं जहां पे अभी तक मैं नहीं पहुंच सका। इंशाल्लाह ताला ईद से पहले पहले मैं अपने हर गांव में हर बंदे के पास पहुंच के उसकी मुश्किल को दूर करने में मदद करूंगा इंशाल्लाह। डारेवाला और मुलहका चकूक में राशन और नकद रकूम की तकसीम का अमल शुरू किया जा रहा है और हमारा टारगेट है कि इलाका भर में कोई घर ऐसा ना हो जिसमें राशन ना पहुंच पाए।